आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और ईबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। आपके सामने निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ 17,270 पर, फिलहाल 133 अंक नीचे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर उच्चतम लेवल है 17,487, तो वहाँ से आपने इंडेक्स को लगभग 200 पॉइंट फिसलते हुए देखा है और 200 पॉइंट का ही कट आपको बैंक निफ्टी में आता हुआ दिखेगा। 36,300 पर आपको फिलहाल बैंक निफ्टी विराजमान दिखेगा। फ्रंटलाइन काउंटर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज पर और आपको कोटक महिंद्रा बैंक पर, साथ ही साथ HDFC पर मुनाफा वसूली होती हुई दिख रही है। पिछले दो दिन यहां पर जबरदस्त आप देखिए तेजी का माहौल था, तो हफ्ते के आखिरी दिन वीकेंड से पैसे, आप देखिए बाजार थोड़ा हल्का है, कोई खास वॉल्यूम नहीं और आप देख रहे हैं कि अगले 90 मिनटों में बाजार शायद यहां पर सपोर्ट लेता हुआ दिखे। वीरेन जी को जोड़ते हैं। कुमार साहब, कहां नजर आपकी? शैल जी, अगर आप इस वक्त का डेटा देखें और स्पेशली ऑप्शन डेटा देखें तो मैं देख रहा था कि यहाँ पे 17,200 पे पुट राइटर हैं, 17,250 पे पुट राइटर है और कॉल राइटर्स 17,500 की, यानी आज की हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री और 17,400 की ट्रेजेक्ट्री, 17,450 की ट्रेजेक्ट्री, इन तीन स्ट्राइक्स पे काफ़ी बड़े कॉल राइटर्स हावी हुए हैं। तो प्रेशर जोन इंट्राडे के लिए ऊपर की तरफ रहेगा 17,400, 17,450, 17,500 और 17,200, 17,250 पर आप देखें पुट राइटर्स विजिबल हैं। तो मेरे को लगता है शैल जी, यहाँ से ट्रेड लेना कोई वाजिब नहीं होगा, लेकिन बाजार यहाँ से थोड़े अपने लॉसेस रिकवर करके, पॉसिबली इस डेटा के अनुसार 17,273 से थोड़ा रिकवर होके 17,350, 17,380 और पॉसिबली 17,400 इस जोन में कहीं ना कहीं आज क्लोज करने की तैयारी करेगा। मतलब ये डेटा कह रहा है कि यहाँ से लॉसेज थोड़े से रिकवर होके, थोड़ी इंट्राडे रिकवरी लेकर न्यूट्रल बंद होने की कोशिश करेगा। जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है शायद, अगर मैं निफ्टी बैंक को देखूं तो इस वक्त निफ्टी बैंक भी इंडिकेट ये कर रहा है कि 36,000, 36,100, 36,200 इन दो तीन जोन्स में, इन दो तीन स्ट्राइक्स में पुट राइटर हैं और ऊपर कॉल राइटर्स हावी हैं 36,800, 37,600, 37,900, 37,600 के जोन में, जो कि इंडिकेट करते हैं कि ये भी अपने लॉसेज जो है थोड़े से रिकवर करके पॉसिबली 36,500, 36,600 की ट्रेजेक्ट्री में बंद होने की कोशिश करेगा। तो एक निफ्टी में यहाँ से 100 पॉइंट की रिकवरी और बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट की रिकवरी एज पर दीज स्टेट्स शैल जी मेरे को लगती है, मतलब कुल मिला के न्यूट्रल होने की कोशिश बाजार करेगा। खैर, ये रही बात डेटा की। इस कार्यक्रम में आज आखिरी के 90 मिनटों में हमारे साथ प्ले करने के लिए, इस बाजार को और आपकी अप्रोच तय करने के लिए हमारे साथ होंगे राजेश अग्रवाल और आशीष बहती होंगे, असित बरनप्राथी manasjaiswal.com के मानस जायसवाल, कविता जैन, प्रकाश काबा, कुणाल रामिया और चंदन तापड़िया हमारे साथ मौजूद होंगे। इनसे करेंगे बातचीत, यतीन होंगे डीडी रूम के चेक को लेकर और साथ ही साथ 3:10 पर मैं और शैल जी शुरू करेंगे क्रम मोमेंटम कॉल्स का। शैल जी, चलिए आपके सामने फिलहाल निफ्टी 130 अंक नीचे है और बैंक निफ्टी में आप 211 अंक का लाल निशान देख रहे हैं। वीरेन जी की उम्मीद है कि वापस स्विंग आपको मिड रेंज में आता हुआ दिखेगा, यानी कि निफ्टी फ्लैट बंद होने की काफी संभावना और आशाएं। जोड़ते हैं यहां पर अपने टेक्निकल पैनल को, आशीष बहती जी, कविता जी, मानस जायसवाल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, सबसे पहले प्रश्न आपको जाता है, बताइए कहां ध्यान और रुझान, मंदी खेल रहे हैं फिलहाल बचे हुए 90 मिनटों के लिए या यहां पर कोई तेजी का तर्कश है आपके पास? गुड आफ्टरनून शैल जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हैवेल्स पे नजर है, हैवेल्स हमने सुबह भी रिकमेंड किया था और स्टॉक ओवरऑल वीक मार्केट में भी अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। PSCRB इसका ऑलमोस्ट 0.75 से ऊपर चला गया है और 1400 पे से थोड़े से कॉल राइटर्स खड़े हैं। अगर ये 1400 क्रॉस कर देता है तो हमें लगता है कि इसमें 1440 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। सिर्फ एक थोड़ा रेजिस्टेंस जोन 1400 का बना हुआ है, अगर ये बस क्रॉस होने के बाद 1440 तक के लेवल्स देखने मिल जाएंगे। जिन्होंने पोजीशन सुबह बनाई है उन्होंने जो SL है वो ट्रेल करके 1380 का SL कर लीजिए और 1440 के टारगेट्स के लिए। चलिए आपके सामने हैवल्स पर एक राय देते हुए दिख रहे हैं लॉन्ग साइड पर हमारे मित्र आशीष बहती साहब, और आपने सुबह भी ये कॉल बाजार खुलने से पहले दिया था। एक नजर डायरेक्टर साहब आपको चार्ट्स पर दिखवाएंगे इस काउंटर की
और यहाँ पर आप जो मूव देख रहे हैं ये फिलहाल पूरे के पूरे ब्राउन गुड्स स्पेस में भी आता हुआ दिख रहा है। जो चार्ट आपके सामने हैवल्स का है एग्जैक्टली वही वोल्टास का, पिछले पांच दिन से यहाँ पर तेजी की गर्माहट आपको आती हुई दिख रही है। ये तो राय आपके सामने हैवल्स पर आती हुई दिख रही है। अब ऐसा करते हैं कविता जी को जोड़ते हैं। कविता जी नमस्कार। यहाँ पर मामूली सा लाल निशान निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ 260-270 के जोन में, बताइए आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा? गुड आफ्टरनून शैल जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल टॉप कन्विक्शन ट्रेड है सेम ही सेक्टर से, दैट इज वोल्टास। सो वोल्टास इज ऑन लाइक वीकली चार्ट हम अगर देखें तो आज की क्लोजिंग जिस तरीके से अभी 1249 पर ये ट्रेड हो रहा है तो ये कैंडल एक बुलिश इनगल्फिंग फॉर्मेशन बनाते हुए दिखेगी जो कि बताती है कि यहाँ पर शायद एक ट्रक फॉर्मेशन बनता हुआ दिखे। वेयर इज ऑन द डेली चार्ट इट इज अबाउट टू मेक एक डबल बॉटम, प्रीएम्प्ट कर रही हूँ, इट इज अंडर फॉर्मेशन राइट नाउ वोल्टास पर। सो अपने एवरेजेस के ऊपर सिंस निकला है मुझे लगता है यहाँ पोजिशन बनानी चाहिए, नॉट ओनली फ्रॉम इंट्राडे परस्पेक्टिव, हमें दो या तीन दिन का नजरिया अगर रखें तो काउंटर हैज पोटेंशियल की 1260-1280 के लेवल्स आपको दिखाते हुए दिखेगा जो कि नेकलाइन भी होगी हमारी डबल बॉटम फॉर्मेशन की। सो 2-3 डेज के परस्पेक्टिव से 1280 के टारगेट्स देखना चाहिए, 1260 विल बी द फर्स्ट टारगेट और जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए दैट शुड बी 1230। तो इस बीच में अगर ये मिल रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पोजिशंस क्रिएट करनी चाहिए। वोल्टास आपका कन्विक्शन ट्रेड रहेगा 2 बजे का इस वक्त, और एक बजे वोल्टास दिखाइए जनाब आपकी स्क्रीन पर दिन के सर्वोच्च स्तरों से, अगर आप देखें ऑलमोस्ट उसी पे अगर आप देखें ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है तो वाई गुड सेगमेंट में स्ट्रेंथ उसको प्ले करने की कोशिश करती है कविता जी। कविता जी एक पॉइंट ऐड करूँ यहाँ पर, ये क्योंकि 20 अक्टूबर के बाद अब तक के हाइएस्ट ट्रेजेक्टरी में है, अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि फ्यूचर ना लेके अगर कोई ऑप्शन हो आपके पास अगले 90 मिनटों के लिए तो वो क्या होगा, कौन सी स्ट्राइक चुनी है आपने? वोल्टास पर अगर हम ऑप्शंस के रूट से जाना चाह रहे हैं तो इमीडिएट आप लेट मी चेक आउट द स्ट्राइक।